हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड के न्यू फीचर के बारे में। तो स्क्रीन में सबसे पहले तो आपको माई मेक इट योर्स नज़र आ रहा होगा, इसके नीचे ध्यान से देखेंगे तो लिखा होगा पर्सनलाइज योर मोटरसाइकिल योर वे फ्रॉम डे वन। यानी देखिए इसमें क्या है कि आप वेबसाइट में जाके ही, अगर पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर न्यू कॉन्फ़िगरेशन क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे चंडीगढ़ पहले ही सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। तो कंफर्म करने के बाद क्या देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे इंटरसेप्टर, जीटी कॉन्टिनेंटल, आपका हिमालयन, फिर आपका क्लासिक, दोनों वेरिएंट्स हो गए क्लासिक के, सिंगल डिस्क और ड्यूल डिस्क, और बुलेट में भी दो वेरिएंट हैं आपके, दोनों वेरिएंट आ गए हैं। तो बेसिकली दोस्तों है क्या कि बाइक लेने से पहले आप अपने हिसाब से उसमें एसेसरीज लगा के चेक कर सकते हैं कि वो देखने में कैसी लगेगी। सेकंड थिंग, प्राइस का भी आपको पता लग जाएगा कि एक्सशोरूम कीमत आपको कितने पड़ने वाली है, ऑन रोड वगैरह का भी आइडिया आपको लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस ऐप से, मतलब ये जो आपकी वेबसाइट है, इससे आइडिया लगने वाला है। उसके बाद बात करें तो नीचे की साइड मैंने दिखाया ये आपको जैसे बुलेट, और बुलेट देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, मुझे लगा यार बुलेट के लिए भी ये फीचर है। लेकिन जब मैं क्लिक करता हूँ तो पता लगता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्फिगरेटर कमिंग सून। तो यानी अभी इसके लिए फीचर नहीं है, फीचर हो सकता है लेकिन अभी तो नहीं है ये फीचर, तो बैक कर लेते हैं, वहाँ जाके करना क्या है। सबसे ऊपर चलते हैं, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ आपका इंटरसेप्टर और आपका कॉन्टिनेंटल जीटी पे। तो देखिए दोस्तों, आप सबको बताई है कि अगर मैं इन फ्यूचर कोई बाइक लूँगा तो दोनों में से एक ही होने वाली है, और ज़्यादातर मतलब चांसेस आपका कॉन्टिनेंटल जीटी के हैं, क्योंकि उसकी जो सिटिंग पोजीशन है सब कुछ मुझे बड़ा काफ़ी अच्छा लगता है। तो दैट्स व्हाई इस पे ही क्लिक करते हैं। और अगर कलर की बात करें तो देखिए, कलर तो मेरे हिसाब से ये वाला होना चाहिए, यानी आपका क्रोम होना चाहिए, लेकिन क्रोम यार संभाल बड़ी मुश्किल होती है। तो दैट्स व्हाई क्रोम के अलावा अगर मैं कहूँ सेकेंड ऑप्शन मेरा कौन सा होगा, तो वो होगा आपका स्नो वाइट। यार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये कलर आपको कितना पसंद है, क्योंकि मुझे तो ये कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहीं पे हम करते हैं कॉन्फ़िगर नाउ कर देते हैं। कॉन्फ़िगर नाउ करते ही कुछ ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ पे बफरिंग शुरू हो जाएगी। और देखिए अपना इस बफरिंग में टाइम लगने वाला है, लेकिन यार टाइम लगा नहीं, बड़ा जल्दी हो गया, मैं भी थोड़ा हैरान हूँ। तो यहाँ पे नहीं यार, बफरिंग हो रही है, अभी भी हो रही है। तो यार हाँ, बफरिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। फाइनली हमारी बाइक आ चुकी है और ये काफ़ी अच्छी लग रही है, स्नो वाइट कलर में बहुत प्यारी लग रही है। अगर मुझे ऐसे मिल जाए ना तो मैं डेफिनेटली ले लूँ, अगर कोई मुझे गिफ्ट कर दे, बट अभी पैसे नहीं है मेरे पास, तो छोड़ो इस चीज़ को। तो यहाँ पे सबसे ऊपर हम देखते हैं तो स्टाइल देखते हैं, स्टाइल में हम कलर का ऑप्शन चुनते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम स्नो वाइट कर चुके हैं, तो स्नो वाइट के अलावा नीचे चलते हैं तो यहाँ पे मिरर्स का ऑप्शन आ रहा है। ऑब्वियसली बात है, ये वाले मिरर अब आपको अच्छे लगने वाले नहीं है। और देखिए अब ये वाली बाइक में, जीटी कॉन्टिनेंटल में तो डेफिनेटली ये वाले मिरर अच्छे नहीं लगते, इसमें तो एंड बार वाले ही मिरर अच्छे लगते हैं। तो 3900 के आ रहे हैं और मैंने वो सिलेक्ट कर लिए, और देखे बाइक का भी जो रोटेशन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और पता लग जाएगा देखने में कैसे लगने वाले हैं, बड़े शानदार लग रहे हैं ये वाले। उसके अलावा अगर हम और नीचे जाते हैं तो और एसेसरीज़ हैं, तो देखिए अभी उस एसेसरी के मुझे नॉलेज नहीं है काफ़ी कुछ है इसमें, क्योंकि जब ये बाइक आएगी ना हाथ में तभी पता लगेगा कि ये एसेसरीज़ की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो इसको छोड़ देते हैं, कंफर्ट में जाते हैं। तो कंफर्ट में ऑब्वियसली बात है सीट ही होने वाली है, तो सीट चुने तो मेरे हिसाब से अगर मैं देखिए ये वाली सीट चुनता हूँ तो ये सिंगल सीटिंग वाली है, मतलब कोई बेनिफिट नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, देखने में ज़्यादा अच्छी लग रही है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये टूरिंग सीट ही ज़्यादा बेटर है और इसी को हम सिलेक्ट करके रखते हैं। दोबारा से हम टूरिंग सीट पे आ चुके हैं और उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो हमें मिलता है विंडशील्ड। तो विंडशील्ड पे क्लिक कर देते हैं। दो तरह की विंडशील्ड है, छोटी वाली, बड़ी वाली। मुझे बड़ी वाली अच्छी लगती है तो ऑब्वियसली बात है बड़ी वाली ही सिलेक्ट करने वाले हैं। उसके अलावा हम जाते हैं, दोबारा से हट गई थी, दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके अलावा हम जाते हैं प्रोटेक्शन में, तो प्रोटेक्शन में जाके इंजन गार्ड मिलेगा। अब देखिए ऊपर की साइड आपको दो छोटे वाले यानी कॉम्पैक्ट इंजन गार्ड दिख रहे होंगे, जिनका मुझे नहीं लगता कोई खास बेनिफिट है, क्योंकि इंजन तो सेव हो जाएगा लेकिन पैरों का क्या दोस्तों। तो नीचे वाले पे जाते हैं तो एक ही ऑप्शन है, बेसिकली दो कलर हैं, एक क्रोम है एक ब्लैक है, तो दो ही ऑप्शन है आपके पास, और डिज़ाइन के हिसाब से एक ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो आपके हिसाब से जो भी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके अलावा इसको भी सिलेक्ट कर लिया। अब नीचे जाते हैं सम्प गार्ड में, सम्प गार्ड में एक ही ऑप्शन है तो कोई ऑप्शन है नहीं, सिलेक्ट कर लेते हैं। कभी बार नीचे लग जाए तो बहुत, मतलब क्यों इतनी महंगी बाइक से चांसेस लेने। तो ये भाई अपनी बाइक बन चुकी है, हम सारा कुछ इस पर सिलेक्ट कर चुके हैं। अब मेरे हिसाब से ये बाइक तैयार हो चुकी है देखने में। मुझे बताओ दोस्तों कि मेरे हिसाब से, मतलब मैंने चूज़ करी है, ये सारा कुछ चूज़ किया, तो कैसी लग रही है ये आपको ये बाइक। यहाँ पे एक चीज़ और है, मुझे ना यहाँ पे एक चीज़ का ऑप्शन मिसिंग लग रहा है, अलॉयज व्हील का। बहुत मेजर था कि आप अलॉयज व्हील का ऑप्शन भी कंपनी अगर देती तो बहुत अच्छी बात होती, और हाँ देना चाहिए यार अलॉयज व्हील का ऑप्शन। और ऐसा नहीं एक ऑप्शन, अब क्लासिक में हमें ना एक ऑप्शन मिलता है, बड़ा बेकार सा लगता है, एक ही
ऑप्शन है, मैं कई बार ढूंढता हूँ वेबसाइट में कि यार एक दो और अलॉय के ऑप्शन मिल जाए, तो हाँ कंपनी के हिसाब से ही बनाओ, लेकिन यार एक दो ऑप्शन और दो ना, तो हाँ दो तीन ऑप्शन अलॉयज व्हील के भी होने चाहिए, क्रोम में, ब्लैक में, इवन गोल्डन जैसे कलर भी होने चाहिए, मतलब कुछ यूनिकनेस भी होनी चाहिए, बट कंपनी ऐसा कुछ करती नहीं है, तो करना चाहिए कंपनी को। तो अभी यहाँ पे देखा जाए तो अभी ये तो सेलेक्ट हो गया है और ये बाइक काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है, और मुझे तो मतलब ये बाइक पहले ही आपको पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अपने ऊपर नीचे हम देखें, अगर ऊपर की साइड हम प्राइस देखते हैं, तो ये अब आपकी 331,142 रुपीज़ की बन चुकी है। तो यानी ये सारा कुछ लगा के ये बाइक अब इतने की बन चुकी है। मैं 6 चीज़ें इसमें ऐड कर चुका हूँ, उसके अलावा अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरे हिसाब से इन 6 चीज़ें बहुत हैं। और ये चीज़ मतलब इसका बेनिफिट है, लेकिन कंपनी को और काम करना चाहिए, और ज़्यादा ऑप्शंस देने चाहिए। तो अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि देखिए मैंने सेव की बात रही, सेव तो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने कौन सा भी इस बाइक को लेना है। और इसके बाद अगर मैं जाऊँ पीछे की साइड, तो इंटरसेप्टर पे भी यही सब आपको मिल जाएगा, उसको दिखाने की मुझे लगता नहीं आपको कोई रिक्वायरमेंट है, बट बस आपको यही सब इसमें मिलने वाला है। और बहुत अच्छी बात है कि ये सारा कुछ कंपनी हमें दे रही है, लेकिन देखिए सारी बाइकों में ये ऑप्शन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मतलब आपका इंटरसेप्टर और जीटी कॉन्टिनेंटल में नहीं होना चाहिए, सभी बाइक्स में ये ऑप्शन होना चाहिए, इवन बुलेट में भी ये ऑप्शन देना चाहिए, उसके अलॉयज भी अलग से कंपनी को देने चाहिए, तो काफ़ी कुछ देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कंपनी को अभी और मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो काम किया है कंपनी ने बहुत अच्छी बात है कि कंपनी ऐसा कुछ कर रही है, मतलब रॉयल इनफील्ड लवर्स के लिए ऐसा कुछ कर रही है, ऐसा कुछ सोच रही है। तो चलिए दोस्तों आज वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो में आप मतलब बेसिकली मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो तो अच्छी आपको लगी होगी, अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।